अल जामिउ सहीह दिल बुखारी अबवाबुल वित्र बाबु मा जाआ फिल वित्र। इससे पहले ईदैन के हवाला से इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह उन्होंने रिवायात को अहादीस को नकल फरमाया। उसके बाद वितर का बयान है और मुनासबत जो बयान की जाती है कि ईदैन का इजहार भी सुन्नत से है और वितर का इजहार भी सुन्नत से, यानी कुरान मुकद्दस में ईदैन का तज़किरा मिले कि आप ईदैन इस तरह से पढ़े हैं। अगरचे लफ्ज़ वतर का शफा और वतर का जिक्र कुरान मुकद्दस में मिलता है, मगर ये इस्तिलाह में जिसे वितर कहा जाता है और जो अमली तौर पर रकात की सूरत में पेश किया जाता है वो कुरान मुकद्दस में नहीं बल्कि हमें सुन्नत से दस्तियाब होता है, क्योंकि दोनों का सबूत सुन्नत से ही मिलता है, लिहाजा यहाँ पर यके बाद दीगरे उनको जिक्र कर दिया गया। लेकिन मौला यहाँ पर चार चीज़ों को इब्तदाई तौर पर बयान किया जा रहा है। नंबर एक, वितरों की तादाद कितनी है। नंबर दो, वितरों का वक्त कौन सा है। नंबर तीन, कोई शख्स वितर पढ़ते हुए खुद तो बेदार होता है और अपने अहले खाना को क्या बेदार कर सकता है या नहीं। नंबर चार, अब यहाँ पर बतौर खास ताकीदन जिक्र किया गया है कि तुम्हारी आखिरी नमाज रात के वक्त वो वितरों की नमाज होनी चाहिए। लीजिए ना, यहाँ पर चार चीज़ों को बुनियादी तौर पर यके बाद दीगरे जिक्र किया जा रहा है। नंबर एक, वितरों की तादाद कितनी है। देखिए वहाँ पर एक का भी जिक्र आता है, दो का भी जिक्र आता है, चार का भी जिक्र आता है। असल सूरत हाल क्या है, इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह आप फरमाते हैं कि वितर एक है और उसका इस्तदलाल भी करते हैं कि नफल नमाज पढ़ते चले आओ, दो 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 पढ़ते चले आओ और जब देखो कि अब फजर का वक्त होने के करीब है तो एक रकअत वितर का इजाफा कर दो। इमाम शाफिई रहिमहुल्लाह वो फरमाता है कि वितरों की नमाज एक रकअत ही है, जबकि अनाफ का नज़रिया क्या है। अब देखना इससे हमें भी सदराल भी करते हैं वो, जैसा कि यहाँ पर अन्ना राजन साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सलात अल्लैल फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात अल्लैल मसना मसना दो रकात फ़ैज़ा ख़शिया आतुकुम सुबह सल्ला रकअतन वाहिदतन तुतिर लहु मा क़द सल्ला, तो आखिर में एक रकअत का इजाफा करेगा, एक रकअत का इजाफा सारी की सारी नमाज को वितर की नमाज बना देगा। ज़ाहिर है कि पहले अगर आठ रकत पढ़ी जा चुकी हैं और अब एक रकत और है नौ बन गई। इमाम शाफी का इस्तेदलाल ये है रहिमहुल्लाह को, एक रकत वितर है और बाकी जितने हैं वो नवाफिल अदा हो गए। और यहीं पर ये बात भी पेश नज़र है, अहनाफ का नज़रिया ये है कि वहाँ पर वितरों की तादाद रकात की तादाद वो तीन है और वो रिवायत हमें सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलती है कि रमज़ान शरीफ या रमज़ानुल मुबारक के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा वो आठ रकात अदा फरमाया करते, चार बल्कि यहाँ पर ग्यारह रकात, चार चार और फिर तीन। अब यहाँ पर आप सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात अदा फरमाते, चार फिर चार और फिर तीन, और तीन जो रकात होती वो वितर हुआ करते थे। आठ रकात सलातुल लैल के और उसके आखिर में सारी की सारी सलातुल लैल है, और अलबत्ता ये है कि यहाँ पर चार फिर चार फिर तीन। और सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पहली रिवायत गुजरी है इमाम शाफी रहिमहुल्लाह वो भी तो इसे दलाल करते हैं, वो फरमाते हैं कि एक रकत पढ़ी उसे आपकी पढ़ी हुई को उसने वितर बना दिया। अनाफ कहते हैं कि इसमें हम कौन सा इनकार करते हैं, जब एक रकत पढ़ी गई है तो वाकई सारी की सारी नमाज अब वितर ही तो बन गई है, लेकिन इससे ये इस्तेदलाल करना कि वितरों की तादाद वो एक ही है ये यहाँ पर मुस्तबाद है, ये बईद है। हाँ, उस एक रकत ने सारी की सारी नमाज को वितर बना दिया है तो देखिये वितरों की तादाद ज्यादा है। तो हम इमाम शाफी रहिमहुल्लाह वो फरमाते हैं कि वितर एक है, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि वितरों की तादाद वो तीन है। देखिए साहब, यहाँ पर हजरत उबाई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तीन वितर पढ़ते थे और पहली रकत में सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी रकत में सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद
पढ़ा करते थे। लीजिए जनाब, ये भी रिवायत आएगी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ये दो रकात के बाद सलाम फिरते, फिर एक वितर पढ़ते थे। दो रकात में सलाम फिर देते और आखिर में एक वितर पढ़ा करते थे। देखिए, जितनी रिवायात आ रही हैं, एक वितर भी आ रहा है, तीन भी आ रहा है, और यहाँ पर जब इजाफा किया गया तो पिछले जितनी रकात पढ़ी हैं सारी की सारी ही वितर करार पाती हैं। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु वो फरमाता है कि मैं एक रात अपनी खाला हजरत मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में थी। जैसे ये एक चारपाई है, लंबाई के रुख हुजूर अलैहि सलाम तस्लीम लेटे हुए हैं, साथ सय्यदा मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा आराम फरमा है, और पाइंती की तरफ अर्जन आप फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर मैं भी लेटा हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो मैं भी आपके साथ बेदार हो गया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम आपने सूरह आले इमरान से आयात पढ़ी हैं, फिर आपने एक मशकीजा लटका हुआ था उससे आपने वजू फरमाया है और खूब अच्छा वजू फरमाया, नमाज पढ़ना शुरू कर दी, मैंने भी आपकी तरह किया। बच्चे बहुत से बड़ों की आदत को अपनाते हैं। अब देखे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माने हजरते अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्हें ये फरमाया तो नहीं था कि तहज्जुद मेरे साथ पढ़ना, बल्कि खुद ब खुद ही इनके दिल में ये एहसास पैदा हुआ कि हुजूर उठे तो मैं भी उठूं। आजकल लोग कहते हैं जी हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, मैं एक सादा सा नुस्खा बताता हूँ, यानी कहता हूँ कि तुम्हारा बच्चा पढ़ने लग जाएगा, कहते जी तावीज दे दीजिए, मैं कहता हूँ बड़ा तावीज, उससे भी बड़ा देता हूँ या जी, मैं कहता हूँ अपने घर में खुद पढ़ा करें। भाई खुद तो बैठ कर पढ़ते नहीं हो, खुद तो टीवी देखते हो, खुद तो ड्रामे देखते हो और उम्मीद करते हो कि आपका बच्चा पढ़े। भाई वो नहीं पढ़ेगा। वहाँ पर जब जिस वक्त बच्चे के सामने आपका किरदार ये है कि आप बैठ कर वो ये हो, तो बच्चा वो तो आपकी आदत को इख्तियार करेगा। लिहाजा यहाँ पर जो शख्स ये चाहता है कि उसके औलाद पढ़े, वो अपने घर में अपने औलाद के सामने पढ़ा, बिल्कुल ना कहे कि तुम पढ़ो, वो बच्चों पर उसके असरात मुरतब होंगे। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आप भी सरकार के साथ उठे हैं, उसी तरह से वुजू किया और फरमाते हैं मैं हुजूर के एक तरफ बाई जानब खड़ा हो गया, हुजूर अलैहिस्सलाम दौरान नमाज ही अपना हाथ मुबारक मेरे सर पर रखा और मेरे कान को थोड़ा सा मरोड़ा और फिर मुझे अपनी दाई जानब कर दिया, दाई जानब किया, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ता रहा। अब वो जो बात हमारे इस सबक से मुतालिक है, सल्ला रकातैन, हुजूर अलैहिस्सलाम ने दो रकात को पढ़ा, सुम्मा रकातैन, फिर आपने दो रकात को पढ़ा, सुम्मा रकातैन, फिर आपने दो रकात पढ़े, सुम्मा रकातैन, फिर दो रकात पढ़ी, सुम्मा रकातैन, फिर दो रकात, सुम्मा रकातैन, फिर दो रकात, सुम्मा औतारा, फिर उसके बाद आपने वितर अदा। देखिये वितरों के हवाला से, अब देखिये इसके अंदर ही दो रकात, फिर उसके बाद दो रकात चार रकात, फिर उसके बाद दो रकात छह रकात, फिर उसके बाद दो रकात आठ रकात, फिर उसके बाद दो दस, फिर उसके बाद दो बारह, आठ का भी जिक्र है, बारह का भी जिक्र है और कम अज कम दो का तस्करा, यानी अगर वक्त ज्यादा हो तो ज्यादा रकात पढ़ ली जाए, अगर वक्त कम हो तो फिर दो रकात पर भी गुजारा किया जा सकता है। और जो हमेशा पढ़ने वाला है अगर उठ नहीं सका तो वो दिन चढ़ने के बाद भी दो रकात जो रात पढ़ा करता था दिन के उजाले में भी पढ़ेगा तो रब्बुल जलाल उसके नामा आमाल में उसी तहज्जुद का सवाब भी लिखेगा। ये बंदा अगर बेदार होता तो इसे तहज्जुद तो पढ़नी थी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम आराम फरमा हो गए, फिर मुअज्जिन आए और हुजूर अलैहिस्सलाम बेदार हुए हैं, दो रकात नमाज अदा फरमाई है, फिर आप फजर की नमाज के लिए तशरीफ ले गए। लीजिए मौलाना, अब यहाँ पर तेरह रकात हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके कौन के मुताबिक है, तेरह रकात नमाज सरकार ने अदा, दो 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 पढ़ते रहे, बारह हो गई और आखिर में एक रकत अता फरमाई, तेरह रकात हो गई। ठीक है, यहाँ भी उनके मुताबिक है कि एक रकत और अनाफ के नजदीक है तीन रकात। अगर यहाँ पर असल में ये रिवायात मुख्तलिफ है, एक वाली रिवायात भी आती है, तीन वाली रिवायात भी आती है और यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर क्योंकि एक रकत के अंदर एक रकत वाली नमाज जो है उसे अबतर कहा गया है, बतरा कहा गया है, उसे कमजोर नाकिस कहा गया है, तो एक से परहेज कर लिया जाए, यानी वो एक रकत का इजाफा कर लिया जाए मगर पीछे वाली दो को साथ मिलाकर तीन की तादाद को बरकरार कर लिया जाए। अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो दो रकात तुम पढ़ते रहो और जिस वक्त ये देखो कि अब वक्त हो चुका है, करीब है कि वहाँ पर फजर का वक्त हो जाए, तो एक रकत का इजाफा करके सबको ही वितर बना दो, जितनी रकात पीछे पड़ी है उन सबको वितर।
वितर बना दो, क्योंकि एक अगर हम वितर पढ़ते हैं तो वहां पर वो बतरा सलात बतरा इसका मतलब कमजोर और नाकिस है, वो पसंद नहीं की गई एक रकत वाली नमाज। अलबत्ता ये है कि ताकि उस रिवायत पर भी अमल हो जाए, बाकियों पर भी अमल हो जाए, उस एक रकत के साथ सारी की सारी नमाज को ही वितर बना दिया जाए। हजरत कासिम फरमाते हैं कि जब से हमने होशो आवाज संभाला तब से हम देखते हैं लोग तीन वितर ही अदा करते हैं, तीन वितर ही अदा करते हैं। हमने लोगों को इसी तरह से देखा है, वो एक लोग जो लोग काम कर रहे हैं वो भी एक हमारे लिए इस्तेदलाल बन जाता है। लीजिए मौलाना, एक बात तो हो गई कि यहाँ पर वितरों की तादाद कितनी है, और हजरत कासिम कहते हैं वराइना उनासन मुंस अदरखना यूतिरूना बिसलासिल। हजरत कासिम फरमाते हैं जब से हमने होश संभाला है हम तो यही देख रहे हैं कि लोग तीन वितर ही पढ़ रहे हैं। देखिए साहब, इसका मतलब है कि एक तीन वितर भी पढ़े जा सकते हैं, एक वितर है लेकिन एक वितर के बारे में तो ये सलाते बतरा है, तो फिर कैसे करेंगे? एक वितर अदा करें हम और बाकी सारी की सारी नमाज को उसके साथ मिलाकर वितर ही बना दें, ताकि हर तरह की रिवायात पर अमल हो जाए।